रामनवमी के पावन पर्व में सतना शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। जिला और पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर रही नजर। बड़ी धूमधाम से निकाली गई राम जी की शोभा यात्रा। ग्वालियर के थाना गोले के मंदिर पुलिस ने एक सातिर वाहन चोर को लगभग 7,50,000 रुपए के चोरी के वाहन व सोने चांदी के जेवरात के साथ किया गिरफ्तार। में खनन माफियाओं ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर की मारपीट, वाहनों में की तोड़फोड़। घटना बीती रात नगौत थाना क्षेत्र जाखी ग्राम की है। पीड़ित ने नगौत थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। नगौत पुलिस के लिए एफआईआर योग्य मामला नहीं है। MPMSRU का सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस का जत्था पहुंचा सतना। इस राज्य स्तरीय जत्था का नेतृत्व संयुक्त महासचिव कॉमरेड सौरभ मिश्रा के सानिध्य में सतना पहुंचकर सतना इकाई के अध्यक्ष कॉमरेड आनंद पांडे को सौंपा गया। सम्राट अशोक का 2326वां जन्माष्टमी समारोह विश्व शोभा यात्रा के साथ निकाला गया, जिसमें मुख्य अतिथि सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी रहे। जिले के अमरपाटन विधानसभा अंतर्गत ताला में आयोजित विशाल कवि सम्मेलन एवं पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल जी बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय जन प्रतिनिधियों के संग सम्मिलित हुए। देश के लिए, प्रदेश के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के निर्देश पर पिछली भाजपा सरकार में हुआ व्यापम घोटाले को मध्य प्रदेश के युवा अभी भूले नहीं थे। अभी हाल ही में व्यापम घोटाला पार्ट 2 उजागर हुआ है, जिसके विरोध में जिला युवक कांग्रेस द्वारा जिला उपाध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर सौंपा गया ज्ञापन।